शिक्षण प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता मैं कह रहा हूं अगर हमें शिक्षा को स्तर पर ले जाना है तो पहले बहुत ज्यादा काम होना आवश्यक है शिक्षकों की ट्रेनिंग नॉट अबाउट नॉलेज मेनली टाइम वो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज डिलीवर हो रही होती है उसके अलावा बहुत कुछ है आप सोचिए एक पायलट जब जाता है तो पायलट के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं आप इससे पहले इतना एलकोल नहीं ले सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते फ्लाइट उड़ाने से पहले क्यों प्रोटोकॉल क्यों डिसाइड करे गए ताकि जब वो प्लेन उड़ा रहा हो जिसके हाथ में जो प्लेन में दो सौ लोग बैठे हुए हैं उनकी जान उनके हाथ में अरे हम क्यों भूल जाते हैं जब हम एक क्लास में सौ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनका भविष्य हमारे हाथ में वो उससे कम बात नहीं है एक शिक्षाविद उनका भविष्य खराब कर सकता है अगर उसने गलत विचारधारा उनके मन में डाल दी तो कोटा के बारे में बताइए सर जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है तो जैसी बात है फैमिली कुछ लोग वो हैं उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो शहर है कोटा शहर क्यों वहाँ पे बहुत सफलता की कहानियां हैं हर गली में मैं कोटा में ही पला बड़ा हुआ आस बच्चे आते हैं किराए पे रहते हैं वहाँ पे हर साल आपको एक सफलता की कहानी संघर्ष सफलता की जो कहानी है जो जीवन में बहुत जरूरी है क्या सफलता का पर्याय संघर्ष है हाँ है वो तो जो संघर्ष से सफलता की कहानी है आपको कोटा शहर में बिखरी हुई मिलेंगी फूलों की तरह उसकी खुशबू में वो संघर्ष और सफलता है इसलिए वो इंस्पिरेशन का शहर है दोस्तों अगर आप एक जेई एस्परेंट हो अगर आप एक नीट एस्परेंट हो या अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो जिसने इंजीनियरिंग करी है जिसने मेडिसिन करी है या अगर आपको बस हमारे देश के एक पहलू की असलियत जाननी है इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कोचिंग की असलियत जाननी है कोटा की असलियत जाननी है प्लीज़ ये वाला एपिसोड एंड तक देखिए आई होप कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ये वाले एपिसोड को देख रहे होंगे बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में कॉन्वर्सेशन है कोटा की असलियत के बारे में कॉन्वर्सेशन है एक इंडस्ट्री लीडर के साथ ये एक देश के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और रेप्यूटेड एजुकेटर है नितिन विजय सर के इंस्टीट्यूट मोशन एजुकेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तगड़ी कोचिंग दी है इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए नीट के लिए जेई के लिए ओवर इयर्स बहुत ज्यादा सफलता इनके इंस्टीट्यूट ने देखी है पर आज के पॉडकास्ट में मैंने एक डीप डाइव करी है इनके दिल में ये जानने के लिए कि भारत का फ्यूचर क्या है एजुकेशन का फ्यूचर क्या है इसमें ए का क्या रोल रहेगा अगर आपको इस तरह के फ्यूचरिस्टिक टीआरएस कॉन्वर्सेशन अच्छे लगते हैं तो आज का पॉडकास्ट बहुत तगड़ा लगेगा आपको एंजॉय दिस नॉलेज पैक्ड एपिसोड विद नितिन विजय सर एनवी सर आपका स्वागत है टीआरएस में थैंक यू आपको बुरा लग रहा है कि मैंने आपको एनवी सर बुलाया नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एनवी सर बुलाया क्योंकि शायद उसी से मेरी पहचान है ओके कैसे हो सर बहुत बढ़िया बहुत आनंद आ रहा है आपसे बहुत कम बात किया है अब तक इज दैट फाइन बिल्कुल अच्छा लगा मुझे लगा शायद ये होना भी चाहिए जो आपने कहा शुरुआत में ओके ओके आपसे बहुत अच्छे स्टोरीज जाननी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ी है शायद कोई भी अच्छे कोच की एक पहचान होती है बहुत तगड़े कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग स्किल्स मैं करेक्ट पता नहीं अच्छी है कि <laughs> नहीं है पर <laughs> मुझे बहुत आनंद आता है मैं ये तो कम, शायद नहीं बोल पाऊंगा कि मैं अच्छा कम्युनिकेट कर पाता हूँ नहीं कर पाता पर मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ या उनसे कम्युनिकेट करता हूँ <laughs> तो आई रियली एंजॉय दैट पार्ट ओके तो शायद हो सकता है बच्चे भी उसे इंजॉय करते हैं ओके डायरेक्टली uh, जेई e. की बातें करनी है या छोटी मोटी बातें करनी है पहले कैसी भी कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे <laughs> okay. आज के जमाने में 2023 में और 2023 के बाद जेई hmm. e. की असलियत क्या है क्या होने वाला है इस एग्जाम में और भी चेंजेस आएंगे आजकल क्या हो रहा है जाहिर सी बात है जेई नीट दोनों दोनों जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिव एग्जामिनेशनस हैं ये हमारे देश में रहेंगे कई बार लोग बोलते हैं कि ये बहुत टफ कंपटीशन है पर शायद यही हमारी एग्जामिनेशन की ताकत है जी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो अगर हमें हीरे को तराशना है तो इस तरह के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे और होने चाहिए मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है हो सकता है कि इनका प्रारूप बदल जाए जो कि आ, पुराने जमाने से और अभी तक में बदला भी है जेई नीट जैसे पहले होते थे उनके कुछ अलग अलग बॉडीज अलग अलग बन गई है कंडक्शन बॉडीज अलग बन गई है एंटी आ गया है, आ गया है जोसा आ गया है वो सब हुआ है वो होता रहेगा बट द रियल गेम इज की कॉम्पिटिशन है और वो रहेगा और मेरा व्यक्तिगत मत है कि वो होना भी चाहिए चाहिए ओके आ, पहले कैसे होता था जेई जैसे मेरे टाइम पे अगर कर बात करूं तो मैंने 2003 में जई दिया था तो उस समय सब्जेक्टिव हुआ करता था दो दो घंटे के आपको ऐसे लिखने पड़ते थे ऐसे तो नहीं का uh, पेपर नहीं है कैलकुलेशन <laughs> <laughs> ही नहीं पड़ती थी और वो लेवल के आते हैं तो है, है, तो जेई में पहले नीट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो जेई नीट दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहा है साइंस बेस्ड कॉम्पिटिव एग्जामेशन में क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है दोनों एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट अलग है इसलिए उनको पूछने की प्रक्रिया भी अलग होता ओके जब आप किसी को ऑब्जेक्टिवली टेस्ट कर रहे हो किसी एग्जाम में उनकी असलियत दिख जाती है एम सी क्यूज से किसी का असली दिमाग दिख जाता है एम सी क्यूज से बिल्कुल दिख सकता है एक्चुअली एग्जामिनेशन जो कंडक्शन बॉडीज़ है उनको अगर अपन बहुत अच्छे से देखेंगे तो उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न को ऐसे डिसाइड करा है कि जो कि उस बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है जैसे हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में 200 सवाल उसको पढ़ने होते हैं तीन घंटे में जी और उसमें से एक सौ अस्सी करने होते हैं और डेढ़ सौ से ऊपर सही होनी चाहिए तब उनको शायद एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्योंकि ये फास्ट स्किल डॉक्टर को इसलिए चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में लेटा हुआ है तो वो घर जाके सोच नहीं सकता कि मुझे कौन सी दवाई देनी है उसको वो सब मेमोरी में होना चाहिए उसे तुरंत याद होना चाहिए उसको मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी विद स्पीड हाई स्पीड और मेमोरी विद हाई स्पीड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड अगर हम जे एडवांस यानी कि आई की बात करें या और भी ओलंपियाट्स एग्जामिनेशन होते हैं उनकी स्किल्स अलग अलग रिक्वायर्ड है जे में हमें वो चाहिए जो डीप थिंकिंग कर सके जो बहुत डेटा को एनालिसिस कर सके भले थोड़ा टाइम ले ले वही तीन घंटे में जे एडवांस में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी वन और फिफ्टी फोर सवाल करने होते हैं और पच्चीस या छब्बीस सही करने होते हैं तो उनको आई टी मिल जाएगी वाह द सिलेबस इज सेम बट द पैटर्न इज एटली डिफरेंट मतलब ऑलमोस्ट तीस जवाब उनके गलत हो सकते हैं हो सकते हैं है फिर है फिर भी एडमिशन मिल, मिल जाएगा इतना मुश्किल है। इतना मुश्किल मुश्किल एग्जाम एग्जाम बताना चाहूंगा व्यूअर्स को जो मेरे सबसे तगड़े टीममेट्स होते हैं मैं खुद एक नॉन आई आई टी एन हूँ इंजीनियर हूँ नॉर्मल कॉलेज पर आज जो भी स्टार्टअप चला रहा हूँ वहां जो सबसे टीममेट्स होते हैं आपके जो जो घिसाई करेंगे आपके लिए लड़ेंगे वो एंस होते हैं उन, उनकी ग्रूमिंग शायद वैसे ही होती है जब एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं टफ सवाल सॉल्व करने होते हैं हो सकता है दस में से अच्छा ज्यादा परेशान भी नहीं होते क्योंकि में से पांच दिन चलेगा यार पांच जाएंगे बहुत है, जीवन चलता रहेगा उनके इलेवेंथ और ट्वेल्थ में उनकी घिसाई बहुत ज्यादा होती बहुत है और उनकी पर्सनालिटी बदल जाती है पूरे लाइफ के लिए करेक्ट ये Correct. सच है और ये मैं डिनाई करता था पहले फ्रेश mm ग्रेजुएट -hmm. uh, मुझे mm -hmm. लगा कि नहीं इतनी डिफरेंस नहीं हो सकती बट mm एक्चुअली -hmm. उनके साथ काम करने के बाद ऑफकोर्स mm -hmm. ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ बट mm -hmm. जो भी मेरे आई आई टी एन

तुम किससे पढ़ना पसंद करोगे बच्चे बोलते हैं सर हम आई टी एन एम बी बी एस डॉक्टर से पढ़ना पसंद करेंगे जी तो मैंने कहा तुमने पहला चांस किसको दिया जिसके पास डिग्री अच्छी थी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ इंजीनियर्स डॉक्टर इंजीनियर्स बी एस सी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आई से और एम से बहुत अच्छा पर आपने उनको चांस नहीं दिया नहीं दिया तो अगर चाहते हो कि जीवन में पहला चांस मिले चाहे इसी बातें परफॉर्म आपको करना पड़ेगा पर चांस मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद वो डिग्री कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाती है Okay. काश आप मेरे 11, 12 के कोच होते मेरा <laughs> सौभाग्य होता फिर तो मैं <laughs> <laughs> नहीं, नहीं क्योंकि मैंने ट्राई करी थी mm -hmm. थोड़ी सी आई आई टी की कोचिंग एंड आई ऑनेस्टली फील की uh, मुझे एक सेट ऑफ टीचर्स मिले hmm. उनमें से एक दो बहुत अच्छे थे hmm. पर uh, चार या पांच कभी कभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर देते थे अच्छा ऐसे मिले आपको अध्यापक हाँ और ऐसे कोचेस होते हैं होते हैं पर मेरे हिसाब से वो समय के साथ बहुत ऊपर नहीं जा पाते ओके okay. एक किसी भी शिक्षक की सबसे प्राथमिक क्वालिटी आप बोल सकते, जो बोल सकते वो फोमो ये, ये अच्छा। uh, फील हुआ नॉट आईआईटी और बिट्स जहां मेरे खुद के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हर सेमेस्टर में एक बहुत तगड़ा तर... मेरे हिसाब से बीच में रोक रहा हूं पर मेरे हिसाब से आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हो खुद की पहुंचे पहुंचे, पहुंचे पहुंचे, नहीं पहुंचे, MBBS पहुंचे नहीं नहीं पहुंचे, पर सफलता का का मूल मंत्र वहां पे नहीं है. जब really, really, जब जब मैं 22 years का था, जब था, मैं था, था, कॉलेज जस्ट खत्म हुआ बहुत खुन्नस के साथ काम कर रहा था ऑनस्टली इसी अच्छा? वजह से कि मैं को, कोई कॉलेज से नहीं अभी मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा. प्रूव करना है उसी गुस्से के साथ और वहां से मेरी शुरुआत हुई थी और

तो मुझे कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा फिर जब मैं किसी टीचर को डाउट पूछा था वो प्रोफेसर हमेशा मजाक उड़ाते थे डाउट आंसर नहीं करते थे मतलब तुम्हें भी नहीं आता हाँ। यार पर मुझे बेसिक्स जानने थे और आई डोंट थिंक आई वॉज टू जो दिमाग अब है वो तब भी वैसा ही था तो आई एम श्योर कि मेरे डाउट में भी एक जेन्यून क्या बोलते हैं एक इंटेंशन थी पर वो कभी डाउट आंसर नहीं करते थे एंड दैट्स व्हाई मुझे कोडिंग तभी से अच्छी नहीं लगने लगी एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं आपकी बात का उत्तर इससे देना चाहूँगी कि मैं शिक्षक हूँ हाँ जी हम शिक्षकों को जब भी हमारे एफ प्रोग्राम चलता है मोशन में तो हम उनको अध्यापक को एक बात बोलते हैं कि आप कई बार एक एक्सपेक्टेशन के साथ क्लास में जाते हो किन बच्चों का ये बेस और ये बैकग्राउंड हमें मिलेगा जी जब वो आपके माइंड में सेट होता है कि ये बैकग्राउंड और ये बेस मिलेगा तो आप उनसे उस तरीके के छोटे सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते हो और जब वो इंस्टेंटेनियसली आते हैं तो आप उसका एब्रप्ट आंसर देते हो

Uh, खुद के ऑफिस में भी आज एक रूल बनाया कि देर आर नो स्टूपेड क्वेश्चन ओनली स्टूपेड डिसीजन करेक्ट 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 बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है ये पर और और उस मेंटालिटी ने मुझे आज बहुत कुछ दिया है मटीरियली पर स्टूपेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिल्कुल पूछने चाहिए बिल्कुल पूछने चाहिए और अध्यापकों के लिए भी सीखे कि स्टूपिड क्वेश्चंस अगर बच्चा पूछे जो आपको स्टूपिड लग रहे हैं जी वो उनके लिए स्टूबिड नहीं है उनका उत्तर दें हम भी उत्तर देते हैं कभी कभी मजाक उड़ा के भी देते हैं पर देते आवश्यक हैं काश आप मेरे कोच होते हैं ऐसा <laughs> <laughs> मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके सामने बैठकर थैंक यू थैंक यूं आपसे पढ़ने में मजा आता मतलब आपके क्लासेस में क्या बात है थैंक यू आपका खुद का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स okay. ज़ाहिर सी बात है फिजिक्स से फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ मैं और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है ऑल दो ये बात बहुत बहुत बार हो चुकी है पर फिर भी जब मैं पढ़ाई करता था आई की तो सबसे पहले मेरे फिजिक्स में जीरो नंबर आए थे सब्जेक्ट पेपर में जी तो वो मेरी कॉपी क्लास में छुपा के दी गई थी तब मैंने सोचा कि यार ये सब्जेक्ट तो मैं और बहुत अच्छा और सुंदर सब्जेक्ट है थोड़ा टफ है ऐसा बच्चों को लगता है क्योंकि उसे रिलेट करना उतना आसान नहीं होता पर एक बार अगर आपको उसका नशा लग जाए जी तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है बहुत अच्छा मतलब

तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ क्योंकि शायद ये बात मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ अपनी क्लासेज में फिजिक्स से तो फिजिक्स में बहुत टफ फॉर्मले अप्लाई करने होते हैं अभी हमने पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर हमारी एक मशीन बनाई है जो पर्सनलाइजेशन पर काम करती है इस पर भी अपन बात करेंगे शायद तो उसमें जो फॉमले लगने हैं विश्वास मानिए हमें खुद को ही बनाने थे वो बनाने में मुझे बहुत आसानी हुई क्योंकि अल्टीमेटली कोडिंग में लगेगा लॉजिक फिर मशीन लर्निंग लगेगी पर वो फॉर्मलेज बनाने का जो एक्यूमेन है वो मुझे फिजिक्स देती है क्योंकि हम बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व

फिजिक्स hmm. की पढ़ाई कर रहा हूँ एज एन आउटसाइड ऑफ सिलेबस यस बिल्कुल तो मैं दो ही तरह की पढ़ाई कर रहा हूं, करता हूँ या तो फिजिक्स या फिर मुझे लीडरशिप पे या जो भी जिस भी चीज में मुझे लग रहा है कि मेरे को और नॉलेज की आवश्यकता है डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा डेटा एनालिसिस कैसे लाएंगे इसकी हिारकी कैसे सेट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे होगा क्योंकि किसी भी शिक्षा को चलाने के लिए उसके चार मेजर स्तंभ है आज की तारीख में एजुकेटर्स हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया मैनेजमेंट हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया ये शिक्षा के चार महत्वपूर्ण भ आप कह सकते हो आज की तारीख में तो इन सब में आपको पढ़ना पड़ेगा तो ये तो एक पढ़ाई का हिस्सा ही है और दूसरा फिजिक्स है जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं रिलेटिविटी पढ़ते हैं वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ओके तो बच्चे को बता पाता है कि हाँ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आज की तारीख में ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी दुनिया में डल रही है डलती भी है उसका जो पार्ट है वो कैसे डलती है विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ अवर करिकुलम बट आई रियली लाइक टू स्टडी इट ओके क्यों क्यों क्योंकि मजा आता है आप फिजिक्स से जुड़े हुए ना अच्छा लगता है एप्लीकेशन यहाँ पे भी है ऑल दो समटाइम आई कंट्रोल माई सेल्फ कि क्योंकि आप दुनिया का सारा ज्ञान नहीं ले सकते हो hmm. तो मेरे को कभी कभी प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट का पढ़ रहा हूँ या जो मेरे काम आने वाला है उसका उसका पढ़ रहा हूँ इसमें बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है तो उसका ध्यान रखते हैं जब भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिस, तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी पढ़ाई ही है जी बट ऐसा हो सकता है कि ज्ञान कौन सा लेना है और क्या आपके काम का है इसका भी आपको ध्यान रखना आना चाहिए ओके तो आपके दो पहलू है पहला पहलू ऑन्टरप्रनोरियल है जो आपने चार स्तंभों की बात करी वो बिजनेस के लिए हाँ बिजनेस नहीं शिक्षा के लिए <laughs> ग्रोथ के लिए <laughs> ग्रोथ के लिए शिक्षा okay. को आगे बढ़ाने के आपके लिए आपके बिजनेस का कोर शिक्षाविद है? को शिक्षा है, हम। हम, हम, हम है ही नहीं ओके okay. मतलब शिक्षाविद को या शिक्षण संस्थाओं को बिजनेस व्यापारी बोलना ही शायद पहली गलती है क्योंकि जब हम उन्हें व्यापारी बोलते हैं तो उनके मन में भी कई बार ये हम डाल देते हैं कि उनका प्राथमिक ध्येय व्यापार और बिजनेस सिर्फ मनी से रिलेट करती है शिक्षाविदों को शिक्षण संस्थाओं को ऐसे रिलेट नहीं नहीं करना चाहिए जी जब हम किसी हम क्या हम किसी डॉक्टर को व्यापारी बहुत आसानी से बोलते हैं नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है इसकी प्राथमिकता यह है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज अच्छे से कर सके तो शिक्षाविद को भी नहीं बोलना चाहिए और न उसे सोचना चाहिए उस प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई फील की जेनजीज जो नई जनरेशन है एंड डेफिनेटली मेरी जनरेशन भी बिजनेस को बहुत सेलिब्रेट करती है कि आ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस बहुत लोगों के लिए अब एस्पिरेशनल हो चुका है हम्म हम्म हु। uh, इसलिए मतलब जॉब कह रहे हो आई कम्प्लीटली अग्री हंड्रेड परसेंट की कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं डॉक्टर को टीचर्स शायद मिलिट्री बिल्कुल ये तीन थोड़े से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ ये मैं ऐसे नहीं कर रहा पर ये भगवान का काम कर रहे हैं इस दुनिया में तो अगर इन एटलीस्ट टीचर्स और डॉक्टर्स ने अपने व्यापार स्टार्ट किए उसके पीछे कोर इंटेंशन क्या है बहुत मैटर करती है बहुत मैटर करती है और मैं नहीं कहता हूं कि आपको उस व्यापारी के गुण नहीं आने चाहिए वो आवश्यक है पर मनी मेकिंग इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे शिक्षाविद साथ में चाहिए जी, जी। अच्छे मैनेजमेंट के लोग साथ में चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टेक्नोलॉजी के अच्छे लोग चाहिए क्या इनके लिए पैसा चाहिए हाँ वो आवश्यक है पर हमारी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं है पैसा एक जरिया है शिक्षा को सुधारने का जी शिक्षा के उच्चतम स्तर तक उसको ले जाने का उसको स्केलेबल बनाने का अफोर्डेबल बनाने का साथ ही साथ क्वालिटी को भी बढ़ाते रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है तो वो वाली बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो इस हमारी फील्ड में भी हैं वो इन्वेस्टर्स के प्रभाव में आके उनकी जो कोर वैल्यूज है उससे वो थोड़ा हट जाते, हट जाते हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए जी ओके आपका दूसरा पहलू <laughs> एक स्टूडेंट का पहलू है हम्म बिल्कुल खुद एक स्टूडेंट हो क्वांटम फिजिक्स के हाँ। अगर आपने साइंस जाना आज के जमाने में तो आपको पता चलता है कि बीस साल बाद शायद पचास साल बाद किस तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी बिल्कुल किस तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी क्या एडुकेशन में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एआई कैसे डलने वाला है मशीन लर्निंग कैसे डलेगी चैट जीपीटी कैसे काम करेगा आने वाले समय में क्योंकि एक शिक्षाविद के रूप में आप शिक्षाविद शिक्षकों का जो हमारी धारणा शायद हमारे देश में रही है अब तो खैर वो बदल गई है पर आज से बीस साल पहले हमारी धारणा ऐसी थी कि एटलस गोल्ड लाइन पर टीचर आएगा झूला लटका के और आके बच्चों को पढ़ाएगा वैसे हमें शिक्षाविदों की हमारी पहचान थी पर वो बदल गई है दूसरी बात एक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपग्रेडेड रहे अपडेटेड रहे टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बहुत आवश्यक है बिना उसके नहीं हो सकता है okay. अगर हम चाहते हैं hmm. और अभी में बीस साल पहले में हम मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा समय लूंगा पर इसमें मेरा ये मानना है कि हम क्या है कि आज से अगर आप गुरुकुल परिपाटी देखोगे आज से पांच हजार वर्ष पूर्व शिक्षा तब भी थी और अच्छी थी मैं आपको बताऊं तो जब किसी भी गुरुकुल परिपाटी में बच्चे जाया करते थे तो राजाओं के बच्चे जाते थे मंत्रियों के बच्चे जाते थे जो उच्च स्तरीय लोग थे उनके बच्चे जाया करते थे तो जब वो जाते थे तो उनके गुरुजन जानते थे कि किस परिवेश से आ रहा है किस संस्कार से आ रहा है किन राजा का बच्चा है क्या इसका महत्व है और ये कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा जब ये राजनीति में जाएगा ये राज्य का कारभार संभालेगा उस परिवेश को जानते थे उस उस बच्चे के व्यक्तित्व को जानते थे उसके अनुसार उसकी वो शिक्षण करा करते थे यानी कि पर्सनलाइजेशन था कोई चौक बोर्ड सिस्टम नहीं नहीं था इसे बोलते हैं मॉनिटोरियल सिस्टम दिस इज मॉनिटोरियल सिस्टम जो पहले चला करता दिस इज पर्सनलाइज वेरी मच यानी कि गुरु खुद भी ज्ञानी था पर साथ ही साथ वो उस बच्चे को भी जानता था कि उसको क्या करना है ये जो दोनों को एक दूसरे के जानने का जो समावेश था दिस इज पर्सनलाइजेशन एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड जब हम किसी भी एक बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं पर क्योंकि समय बदला बहुत सदियां बीती तो हमें लगने लगा यार शिक्षा तो सबका समान अधिकार है और होना भी चाहिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो जब वो समान अधिकार की बात आई तो समान अधिकार में हमने सोचा शिक्षा को स्केलेबल और अफोर्डेबल बनाते हैं पर जब स्केलेबल और अफोर्डेबल बनाना है तो जो प्रणाली पहले चल रही थी कि शिक्षक सबको जाने का पॉसिबल नहीं था तो धीरे धीरे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे कि बच्चों को हम सेग्रीगेट करें जो क्लास सिस्टम हम जिसे बोलते हैं पहले सोचा कि इनको स्किल के हिसाब से अलग अलग करते हैं फिर सोचा इनको शायद किसी और परिवेश में अलग अलग ढालते हैं फिर फाइनली हमने सोचा कि यार क्यों ना इनको डेट ऑफ बर्थ के सिस्टम में डाल लेते हैं जो आज की तारीख में हमारा क्लास सिस्टम है hmm. जो हमारा क्लास सिस्टम है चॉक बोर्ड आया आपको जान के आश्चर्य होगा कि एटीन थर्टी में जब चॉक बोर्ड आया तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ कि चॉक बोर्ड ये कौन सा सिस्टम है <laughs> आज की तारीख में हम किसी भी यूनिवर्सिटी किसी कोचिंग संस्थान किसी भी स्कूल को बिना चौक चौक बोर्ड के या डिजिटल बोर्ड आप मान लीजिए उनके बिना महसूस नहीं कर सकते पर क्यों आया होगा रेजिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि उसमें पता नहीं जैसे आज की तारीख में जब कोरोना में आया मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कोरोना में आया जब तो बहुत सारे टीचर्स का रेजिस्टेंस था डिजिटल बोर्ड पर नहीं जाएंगे ऐसे कैसे पढ़ाएंगे जिन रेजिस्टेंस दिखाया वो पीछे रह गए आप अपग्रेड रहना पड़ेगा वो इसलिए जरूरी था क्योंकि स्केलेबल अफोर्डेबल था जैसे कि आपने बोला नई जनरेशन ने कि कैसे रेजिस्टेंस आ सकता है बट जब पहली बार गुरुकुल परिपाटी से हम शिफ्ट हुए तो गुरुओं के लिए मानना कि मैं ऐसे फ्रंट होके सिर्फ चार बच्चों को पढ़ाता हूं इसकी बजाय मैं पचास बच्चों को लिख के पढ़ाऊंगा यह मानना बहुत मुश्किल था मैं आपको एग्जाम्पल रिसेंट बताता हूँ बीस साल पच्चीस साल पहले हमारे कोचिंग संस्थान को इतनी वैल्यू थी नहीं ना इट इज इट इज इट इज अय प्रोडक्ट ऑफ स्कूल एडुकेशन राइट आज हमें सम्मान मिलने लगा है तो शिक्षक कैसे पढ़ाता बुड्डो पे पढ़ाता था और बोर्ड पे लिखता था और बोलता था जो नोट्स मैंने दे दिए उसे मान लो समय बदला हम सब लोग लिफ्ट हुए हम सब लोगों ने प्रिंटेड नोट्स देना चालू करे उस समय कुछ टीचर बदले कुछ नहीं बदले जो नहीं बदले वो पीछे रह गए ये वैसी ही बात है कि पहले टेलीफोन था फिर मोबाइल आया मोबाइल आया तो उसने हमारी कन्वीनियंस बढ़ाई कन्वीनियंस बढ़ाई तो हमें उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में इतने सारे नई बैंकिंग सिस्टम में जब बड़े बड़े बैंक्स को एक्वायर करा गया तो वो उनके एम्प्लॉयज पीछे रह गए जिन्होंने उस नए सिस्टम को अडोप्ट नहीं।, नहीं किया जी तो जब हम इस सिस्टम में आए शिक्षा में इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल इंस्ट्रक्शनल मॉडल में हम आ गए तो इसमें स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी तो हम ले आए और पर्सनलाइजेशन कहीं रह गया रह गया पीछे तो मैं ये कहता हूं कि रियलिटी में अगर आप चाहते हो कि शिक्षा को कैसे देखा जाए तो पर्सनलाइजेशन भी आवश्यक है और वो स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी भी आवश्यक है।, है क्योंकि शिक्षा तो समान अधिकार है शिक्षा को देखने का नजरिया ऐसा ही होना चाहिए हमारा मुझे लगता है ये पर्सनलाइजेशन आ सकता है टेक्नोलॉजी से लगता है नहीं आई एम हंड्रेड टेन परसेंट श्योर की यहां से आ सकता है जैसे आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सही समावेश है मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर मैनेजमेंट का और प्रॉपर डॉक्टर्स का ऐसे ही तब वो पर्सलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में भी पर्सनलाइजेशन होता है बिल्कुल होता है सबको अगर चार लोगों को सेम फीवर है तो ऐसे थोड़ी होता है कि डॉक्टर बोला जिनको फीवर है बैठ जाइए अच्छा फीवर है दवाई लिख देते हैं नहीं पॉसिबल है सबका स्पेशलाइज टेस्ट होता है ऐसे किसी सब के बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं सेम समस्या है पर उनका समाधान

झलक दे दी है ऑडियंस को ये सब होगा अभी वी ऑलरेडी स्टार्टेड इट आपको आ, मतलब मैं इस मंच के माध्यम से शायद लगे कि मोशन को प्रेस कर रहा हूँ बट मोशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वी हैव अ रियली ग्रेट टीम हम 2011 से हम इस पर काम करना चालू कर दिया था अभी हमारी मशीन बन के आई है विच इज यूनिक ऑफ इट्स काइंड पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं है पर क्या होता है उसमें उसमें मैं आपको बताता हूँ जैसे वो पर्सनइजेशन का एक नमूना है जब बच्चा हमारे यहाँ पे आता है तो अपना रोल नंबर डालता है फिर ओटीपी डालता है तो हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है ओके। okay. और वो उसकी कमियों के हिसाब से आता है वाह हम मैं जब विद्यार्थी था तो मैंने बहुत सारी तकलीफें देखी क्योंकि मुझे लगा कि यार कस्टमाइज होमवर्क आना चाहिए मेरी तकलीफें कुछ और है, दिया कुछ और जा रहा है तो हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है होमवर्क को सॉल्व करता है उसके सोल्यूशन टेक्स सोल्यूशन को ऐप पर मिल जाते हैं उसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो डाउट काउंटर पर जाकर पूछ लेता है इसके पीछे बहुत सारी मशीन लर्निंग डेटा साइंस लगी हुई है जिसमें पूरी टीम ने बहुत सालों तक काम करा साढ़े सात लाख सवालों सा का डेटा बेस बनाया बट आई एम श्योर कि ये करने से एवरेज बच्चा सेलेक्ट होगा मैं आपको छोटी सी बात और कहना चाहता हूं एक्चुअली ऐसा नहीं कि पर्सनलाइजेशन हमारे में नहीं है हम पर एक जगह न्याय करते हैं और मैं खुद से रिलेट करता हूं हम भी शायद उसके गुना वाले हो सकते हैं अपन बोल सकते हैं पर्सनलाइजेशन हम आज भी करते हैं आप भी कॉलेज में गए होंगे मैं भी गया आप भी स्कूल गए होंगे यूनिवर्सिटीज में गए होंगे जब टीचर देख लेता है ना कि हाँ यार इस क्लास में ये बच्चा इंटेलिजेंट है वो उसको वन टू वन मेंटोर करने लग जाता है दिस इज अ पर्सनलाइजेशन पर ये सिर्फ टॉपर्स के साथ होता है जो एवरेज बच्चा आपके और हमारी तरह के मैं आपसे रिलेट कर कर पा रहा हूँ कि मैं भी एवरेज बच्चा ही था कोटा का रहने वाला था इसलिए पढ़ लिया और आई चला गया पर था ऐसे बच्चों को महत्व है हमारा रियल दायित्व थो थोड़ी कि हमने सिर्फ टॉपर निकाल दिया आई क्यू बहुत तेज है दुनिया मोस्टली एवरेज होती है और हम सिर्फ न्यूज देखते न्यूज तो वो है जो एक्सेप्शन है पता है एटलीस्ट uh, जब मैं कॉलेज में था uh, मेरा खुद का सेल्फ वर्थ भी काफ़ी घटिया था uh, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही एवरेज हूँ लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा और अब दस साल बाद मुझे पता चला है कि ऑलमोस्ट हर कोई ऐसा सोचता है सिवाय कुछ ना कुछ टॉपर्स के पर असलियत ये है कि कभी कभी वो भी ऐसा सोचते हैं हर सोचते किसी है। का सेल्फ वर्थ बहुत गंदा होता है कॉलेज में बिल्कुल सही बात है uh, Uh, मैं बार बार ये कहते जा रहा हूँ कि आई काश आप मेरे कोच होते क्योंकि आपसे बात कर मैंने अभी जस्ट आधे घंटे से आपसे बात करी है पर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है आई डोंट लाइक सेइंग दिस पर ग्यारहवीं hmm. uh, बारहवीं में इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स थे hmm. जो स्टूडेंट्स uh, का मोराल और भी मतलब नीचे खींच देते अगर उन्हें ये पता चलता कि इस स्टूडेंट में कम सेल्फ वर्थ hmm. उसे और कुचलने की कोशिश करते थे

तो मेरी एक स्टेट मैंने आउट कर दिया जेई से क्यों मुझे पता चला की बात नहीं है नहीं। फिर मैं स्टेट सीईटी में चला गया जहाँ मैं काफी अच्छा स्टूडेंट था एटलीस्ट अमंगस्ट दैट लॉट हमारी फिजिक्स टीचर बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक्स करती थी स्टूडेंट्स पर अच्छा uh, मतलब अगर एक मान लो किसी टॉपर के थोड़े भी मार्क्स गिर गए उसे क्लास में बैठने नहीं देती थी शूड रिमूव नॉट वो बहुत पर्सनली जाकर इंसल्ट करती थी क्योंकि इनकी मैंटालिटी ये थी कि इंसल्ट से उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा आगे बढ़े बढ़ेगी hmm. तो एग्जाम के तीन महीने पहले मेन एग्जाम के तीन महीने पहले hmm. आ, दो कॉलेजेस के नाम लिखे वीजे और यू जो मुंबई के टॉप hmm. कॉलेज है आउटसाइड ऑफ आई बोला कि अगर इन दो कॉलेजेस में एडमिशन मिली आप hmm. लोगों को तो ठीक है गुड इससे कम फिर काफी सारे कॉलेज के नाम लिखे डीजे सांगवी सांगी थानी जो लोकल मुंबई के सारे कॉलेज के नाम लिखे और बोला कि अगर इन में एडमिशन मिली तो प्रॉमिस यू आपका करियर खत्म कुछ नहीं करने वाले आप लाइफ में जब आप ग्यारहवीं बारहवीं में होते हो आपको कुछ पर्स्पेक्टिव नहीं होता नहीं होता, होता। मुझे एडमिशन वो टू टॉप कॉलेज में मिली पर मैंने तीसरे वाले कॉलेज में ली क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे कुछ फैक्टर्स थे तब उस वजह से मैंने Uh, okay. well जि, uh -huh, भी भी आपसे hmm. आप से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती hmm. बहुत सारे क्रैक हो जाते हिसाब hmm. से ना जो मैं बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ आपकी बात से रिलेट कर रहा हूँ इसलिए रियल मूल मंत्र वो जो सिलेक्शन है ना या नंबर में वो वहां नहीं है वो जब भी कोटा में भी जो भी बच्चे घंटे तो आज नहीं तो कल मिलता है जी, वो जो कर्म वाली बात है वो वास्तविकता में सही में सफलता का मूल मंत्र है वो सिलेक्शन उसका एक बाय प्रोडक्ट है रैंक उसकी एक बाय प्रोडक्ट है अगर कोई भी व्यक्ति फोकस होके दस से बारह पंद्रह घंटे रोज काम करना सीख जाए वो असफल हो ही नहीं सकता hmm. पॉसिबल ही नहीं है और पर्सनैलिटी बदल जाती है पूरी बदल जाती है पूरी बदल जाती है उस बदलाव के लिए एक्चुअली आप की कर रहे हो बिल्कुल कर रहे हो उस बदलाव के लिए आप कर रहे हो क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत आप शायद लाइफ में करोगे नहीं नहीं करोगे और मैं कह रहा हूँ वो आपको मैं बताऊं आपको मेरे को भी इतना कर्म करने की आदत तब से ही डली

जो आपने एक बात बोली कि बच्चे को कई बार कंपेयर भी करते हैं टॉपर से मान लीजिए एवरेज बच्चा है आपके और मेरे जैसे मैं एवरेज ही था जी जी है ना तो कंपेयर करते हैं देखो इसके भी तो दस में से दस आए देखो अंगूर के हंड्रेड परसेंट हाइडीट आए तुम्हारे क्यों नहीं आए और ये सही बताएं तो पेरेंट्स भी करते हैं मुझे किसी ने बहुत सुंदर बात बोली कि क्या कंपेरिजन हमें करना चाहिए उन्होंने एक सुंदर बात बोली उन्होंने एक बात बोली कि कंपैरिजन करना चाहिए ये पेरेंट्स के लिए भी और शिक्षाविदों के लिए भी और मुझे बहुत अच्छी लगी उन्होंने बोला कि कंपैरिजन करें बट ऐसे लोगों से नहीं जो आपको सराउंड कर रहे हैं जब आप आपके दो बच्चों दो बच्चों में भी कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन जलसी में कन्वर्ट हो सकता है ईर्ष्या उससे उत्पन्न हो सकती है बट जब ये कंपैरिजन हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से करते हैं जिसका उनसे आसपास में कोई लेना देना नहीं है तो वो कंपेरिजन इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो सकता हो सकता है जैसे कि जैसे कि मान लीजिए मेरा मैं मैं कोई बच्चा है जिसको बोल सकता हूँ आपका एग्जाम्पल ले सकता हूं कि देखो रणबीर सर ने किता तगड़ा काम करा है मेहनती है ना पर हो सकता है कि आपको जो बिल्कुल एग्जैक्ट नियर बाय में जानते हो उनके लिए एग्जाम्पल सही नहीं है नहीं हो नहीं और यह बात बिल्कुल लॉजिकल है और वाकई सार्थक भी है जी इसलिए अपने को इस बात पे ध्यान मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि कंपैरिजन होना चाहिए क्या यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है हाँ पर कंपैरिजन जेलेसी में कन्वर्ट हो रहा है या इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो रहा है ये इस वातावरण पर कंपैरिजन के लोगों पे महत्व तो रखता है ओके okay? कोटा के बारे में बताइए सर मतलब एक इमेज है कोटा का बहुत सारे लोगों के में। मैं अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद मेरी बात अजीब सी लगे पर मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है तो जैसी बात है फैमिली कुछ लोग वो हैं उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो शहर है कोटा शहर क्यों पे बहुत सफलता की कहानियां हैं हर गली में मैं कोटा में ही पला बड़ा हूं आसपास बच्चे आते हैं किराए पे रहते हैं वहां पे हर साल आपको एक सफलता की कहानी संघर्ष से सफलता की जो कहानी है जो जीवन में बहुत जरूरी है क्या सफलता का पर्याय संघर्ष है हाँ है तो जो संघर्ष से एक सफलता की कहानी है आपको कोटा शहर में बिखरी हुई मिलेंगी फूलों की तरह जी उसकी खुशबू में वो संघर्ष और सफलता है इसलिए वो इंस्पिरेशन का शहर है कुछ नेगेटिव बातें भी कोटा के लिए करी जाती है मैं एग्री करता हूं उससे कुछ खामियां सब में हो सकती है जैसे व्यक्ति में खामियां होती है वैसे किसी संस्थान में भी खामियां होती है किसी शहर में भी होती है और किसी देश में भी होती हैं हम कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता या हम जानते हैं क्या हमें सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए वो कर रहा है शहर बट मुझे नहीं लगता पूरे देश में छोड़िए पूरे विश्व में कोई ऐसा शहर मिल सकता है जहां का इको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाओ ओके okay. जैसे मुंबई आपका शहर जो है अगर किसी को एक्टिंग के लिए सोचना है या ऐसी जो मैं करियर बनाना है तो उसके लिए ये दिस इज अ होली होली प्लेस फॉर हिम और हर राइट जी ऐसे ही मुझे लगता है कोटा शहर में वो इकोसिस्टम है क्योंकि वहां के हर व्यक्ति विशेष को पता है कि हमारा घर इन बच्चे जो कि अतिथि के रूप में आ रहे हैं उनकी वजह से है okay. ओके क्या होता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में जब वो पहली बार कोटा आते अकॉर्डिंग टू यू कुछ स्विच हो जाता वो सपने लेके आता है बिल्कुल वो और उसके मा, माता जी पिताजी दोनों क्योंकि स्टार्ट में हर किसी को लगता है कि हाँ कर पाऊंगा बिल्कुल लगता है और लगना भी चाहिए जी जी थोड़ा सा उसका वो डिप बच्चा आता है तो सबसे पहले आके पूछता है सर मैं कौन सी ब्रांच अच्छी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस कानपुर कंप्यूटर साइंस या बोलता है कि सर में एम्स दिल्ली सबसे अच्छा है तो मैं उसको बोलता हूँ पेशेंस पहले दो तीन टेस्ट दे ले फिर तुझे थोड़ा सा आईसीएम धनबाद भी अच्छा लगने लगेगा <laughs> 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 तो क्या जोक्स अपार्ट मतलब वो क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि वो मैं इसलिए इस मंच से माध्यम से बोल रहा हूं कि इट इज नॉट फॉर डिमोरलाइजिंग स्टूडेंट्स इट इज फॉर चेकिंग द ग्राउंड रियलिटी और मैं कह रहा हूं आप समझ सोचिए आईसेम धनबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है कोई मैटर नहीं करता मैं फिर कह रहा हूं आपको कि वो जो चौदह पंद्रह घंटे काम करने की प्रक्रिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं पता है, आ, मैं एक, और मुझे आपको बहुत कुछ पूछना है कोटा के बारे में पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके असली करियर की परफॉर्मेंस बाईस चौबीस साल की एज के बाद स्टार्ट होती है बिल्कुल सही बात कैवीआर्ट इज डेफिनेटली अगर आप जेई एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो तो टारगेट आई पर अगर आई नहीं मिला तो भी लाइफ बाकी है दोस्त तो बहुत बाकी वो एक पड़ाव है बहुत छोटा सा वहां से आपको वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कर्म करो तो फल मिलता है कर्म करना सीखना है जी, जी। उस, वो वो सीखने का पहला पड़ाव है कई बार लोग बोलते हैं कि कुटा के प्रेशर आप नीट की तैयारी में बच्चे बहुत प्रेशर लेते हैं दो तीन तीन दिन दो तीन बार ड्रॉप भी लेते हैं मोशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं तो मैं उनको बार बार वही कहता हूं कि ये जो ये जो अभी आप कर रहे हो ना पेरेंट्स बोलते हैं प्रेशर दे नहीं दे

आपसे भी अगर मैं पूछूं कि पहले आप जिस बात के लिए स्ट्रेस हो जाते थे आज उस बात के लिए स्ट्रेस आप नहीं होते हैं उसको बहुत आसानी से आप टैकल कर लेते हैं वो टैकल करना तो आना चाहिए वो कोटा शहर सिखाता है मैं मानता हूं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में दो या छह साल का एक पीरियड होता है जहां स्ट्रगल करनी ही है हाँ उस छह साल के पीरियड में से दो साल अगर आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ में बिता रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है हाँ आप बहुत जल्दी सीख गए क्या बात है हाँ मतलब फिर आपको सिर्फ शायद चार साल की स्ट्रगल करने पड़ेगी लाइफ पड़े में और जो आप शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कर सकते हो बट छः साल की एक फेज खुद के लिए रखो लाइफ में कि ये छह साल ना खराब होंगे मेरे लिए क्योंकि मैंने इलेवन ट्वेल्थ में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी इंजीनियरिंग में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी मुझे बहुत ज्यादा घिसाई करनी पड़ी पता चला कि दुनिया की असलियत क्या है मुझे कितना कम पता है एंड uh, वो कंपल्सरी था मेरे लिए ट्वेंटी एट के बाद थोड़ा सा आसान होने लगा आई डोंट नो अगर आसान होने लगा है या उतनी मुश्किल लगने लगा <laughs> आसान, लगने आसान लगने लगा है मैं एक बहुत सुंदर बात आपको इसमें बोलता हूँ जो बच्चों को भी हमेशा बोलते हैं वापस इस मन से बोलता हूँ कि हम कई बार संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो हमने स्ट्रगल जिसे हम बोल रहे हैं संघर्ष है हमारे परिवार को सदस्य में हमें हम, हम इसे कई बार दुख मानने लगते हैं बारह पंद्रह घंटे काम करना पड़ा थोड़े कम रिसोर्सेज में काम करना पड़ा या उतनी सफलता नहीं मिली जो हमने सोची थी उसे हम दुख मानने लगते हैं दुख नहीं संघर्ष है ये ये संघर्ष है दुख हमारे परिवार को सदस्य हमें छोड़ के चला गया ये दुख है इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है तो पहली बात दुख और संघर्ष में अंतर करिए और संघर्ष को मैं तो कह रहा हूं जीवन में अगर चाहते हैं कि कुछ वैल्यू एडिशन करें या जब यहां से जाएं तो कुछ वैल्यू एड करके जाए hmm. तो आपको संघर्ष से प्रेम होना चाहिए जैसे आपने बोला कि पांच छह साल बाद स्ट्रगल नहीं रहती आप आज भी तो नहीं काम कर रहे हैं पर अब जो आपको पहले बहुत टफ लगता था वो आज टफ बहुत आसान लगता है एडुकेशन uh, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करना hmm. चाहूंगा आप किस नजरिए से देखते हो ये इतने सारे एडटेक अभी एंटर हो रहे हैं hmm. फिर से जो हम जैसे हमने कोटा hmm. की बातें करी एक ब्रांडिंग होती है तो अभी स्टार्टअप uh, स्पेस में एडटेक को लेकर और जनरली एडुकेशन स्पेस को लेकर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है हर किसी को पता है कि शायद फ्यूचर ऑफ एडुकेशन प्राइवेट है हर लेवल पे मतलब इलेवन ट भी पोस्ट uh, ग्रेड भी एटसेट्रापिटिव एक्चुअली एडटेक आपने सब प्रयोग करा कोविड में बहुत इनकी वैल्यूएशन बढ़ी जी ये इन्वेस्टर्डन है मतलब पैसे रेस करते हैं वीसी के थ्रू hmm. इन्वेस्टर्स के पास जाकर अपना गेम प्लान दिखाते हैं कि ये हम करने वाले पैसे लेते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी करेक्ट और बड़े बड़े पैसे हाँ एक्चुअली उसमें पर एक समस्या है कोई भी बिजनेस आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जी है ना उसका मोटो पैसा होता है रेवेन्यू नंबर्स देन मे बी क्वालिटी राइट जी एडुकेशन मेरे को नहीं लगता जो इन्वेस्टर्स की mindset, अगर इन्वेस्टर का माइंड है कि नंबर्स क्या है रेवेन्यू क्या है फिर तीसरे नंबर पर एडुकेशन आ रही है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा प्राथमिकता एडुकेशन देन नंबर्स देन रेवेन्यू हमारी क्रोनोलॉजी डिफरेंट है नंबर्स मतलब क्या है नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके इन योर ऑर्गेनाइजेशन जी 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 और उसी से रेवेन्यू लेंड होता है जी तो अगर आपकी सीक्वेंस उल्टी है तो कुछ दिन तो आप चलोगे कोविड में बहुत बड़े-बड़े अटैक एस्टैब्लिश हुए पर अगर जिनकी सोल शिक्षा नहीं है मुझे लगता है समय के साथ ये इनको दिक्कत आएगी और कुछ को आने भी लगी है इसलिए और मैं कह रहा हूँ कई बार उसमें क्या कई शिक्षाविद फंस भी गए उनकी विचारधारा हो सकता है कि सही हो पर अगर इन्वेस्टर और वो शिक्षाविद द नहीं है तो फिर मैं आपको अपने ऐसी बातें हालांकि मैं हर मन से बोलता नहीं पर आज से पांच सात साल पहले मैं मोशन में क्राइसिस थी बस संघर्ष का समय सबका आता है तो इन्वेस्टर्स के लिए वी हैव ट्राइड

होनी चाहिए अपने आप आएंगे दोनों जी अपने आप आएंगे वो जो थ्री रेट में बोलता है ना भाई की काबिलियत की तरफ बागो। वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओके फिर से मैंने एक आउटसाइडर्स से ये नोटिस किया है कि जनरली पूरे एडुकेशन स्पेस में uh, शिक्षकों के uh, लिए फाइट हो रही है Am I right? कि वो है आपको एक बिल्कुल सच बात बताऊं तो जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे पॉजिटिव शिक्षकों से मिले और बहुत सारे नेगेटिव से मिले जी अच्छे शिक्षकों का भाव है अच्छे शिक्षकों का भाव है और ये गैप बहुत बड़ा है इसको भरने का काम भी हमारे शिक्षाविदों का होना चाहिए मतलब बहुत कम अच्छे अच्छे एजुकेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता नॉलेज ओके okay. उसके सही समावेश होना आप समझिए उसकी पर्सनलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए उसका बोर्ड वर्क अच्छा होना चाहिए उसकी प्रोनसिएशन अच्छी होनी चाहिए उसकी वर्ड स्पेस सही होनी चाहिए स्पीड ऑफ डिलीवरी सही होनी चाहिए नॉलेज सही होनी चाहिए उसकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए वो अनुशासित होना चाहिए इतनी सारी क्वालिटी एक अच्छा शिक्षक गढ़ने में होनी चाहिए इतनी सब में होना इतना आसान नहीं है जी पर क्या ऐसे लोग हमें खड़े करने चाहिए हाँ इसको प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से करा जा सकता है ज्ञान को हम पेडागोजी को हम सेट कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से कैसे आज की तारीख में हम हमारे सेंटर्स पे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू जा रहे हैं जहां पे पहले से प्री ओन्ड पी डाली जा, जा रही हैं ताकि हम जो एक डिलीवरी ऑफ कंटेंट है उसको सिमिलर कर सकें उनकी राइटिंग की प्रैक्टिसेस हम अच्छे एफ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के इन सबको को इनकलकेट कर सकते हैं क्या होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत अच्छे नहीं होते हैं जहां आपको फाइव स्टार फोर स्टार में जाएगी आपको एक तरीके लयब लोग मिलेंगे क्यों शिक्षण प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता मैं कह रहा हूं अगर हमें शिक्षा को स्तर पर ले जाना है तो पहले बहुत ज्यादा काम होना आवश्यक है शिक्षकों की ट्रेनिंग नॉट अबाउट नॉलेज मेनली टाइम वो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज डिलीवर हो रही होती है उसके अलावा बहुत कुछ है जी आप सोचिए एक पायलट जब जाता है तो पायलट के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं आप इससे पहले इतना एलकोल नहीं ले सकते ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते फ्लाइट उड़ाने से पहले जी क्यों प्रोटोकॉल्स क्यों डिसाइड करे गए ताकि जब वो प्लेन उड़ा रहा हो जिसके हाथ में जो प्लेन में 200-300 लोग बैठे हुए हैं उनकी जान उनके हाथ में अरे हम क्यों भूल जाते हैं जब हम एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनका भविष्य हमारे हाथ में वो उससे कम बात नहीं है एक शिक्षा भी तो उनका भविष्य खराब कर सकता है अगर उसने गलत विचारधारा उनके मन में डाल दी तो शिक्षकों के मन में क्या होता जब ऐसे बड़े बड़े जॉब ऑफर्स आते हैं कई और से वही ह्यूमन ट्रेट है कि और ज़्यादा पैसों की ग्रोथ चाहिए या और कुछ भी होता है डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ओके पर ज़ाहिर सी बात है कि पैसा एक ऐसा ऐसी चीज़ है जो किसी को भी लुभा सकती है जी और हम इसके वशीभूत होते हैं ये मानव प्रकृति है इसे हमें समझना भी पड़ेगा और जितना हम इसको मिनिमाइज़ कर सकें मैं मानता हूं कि प्रोफेशनली क्या एक आईटी कंपनी में एक अच्छा इंप्लॉय दूसरी जगह जाता है जाता है पर प्रॉपर नोटिस सर्व करता है अपने कार्य को पूरा करता है अपनी केटी पूरी करता है जिसे नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं ऐसे ही बच्चों को अगर सही तरीके से इस प्रक्रिया में अगर सही तरीके से ट्रांसफर हो रहा है तो फिर इसमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना भी हमारे लिए आवश्यक है बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ विद्यार्थी अपने प्रॉब्लम्स फेस किए इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा तो नहीं आ, नेक नीयत मंजिल आसान वाली बात है कि मैं खुद शिक्षाविद हूँ तो क्योंकि जैसे कोरोना में हमारे साथ कोरोना के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि कोरोना में हमने हमारे किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला बल्कि हमने ये सोच लिया था कि नहीं जब बोलते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए तो हमने सोच लिया था कि घर पर बैठे की बात होती है कि यार कुछ ऐसा करें कि जिससे एक को भी नहीं निकालना पड़े और कोरोना में आपको जानकर खुशी होगी कि मोशन ने 300 सौ लोग और हायर करे क्योंकि हम हम पिछले पाँच साल से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे तो हम इसके लेवल थे बहुत आसानी से अफोर्डेबल थे बहुत सारी अटेक कम्लीस हमसे सर्विस लेना चाहती थी बहुत को हमने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे कुछ को दे पाए जिससे रेवेन्यू जनरेट हुआ और हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी तीन लोग हमने हायर भी करे उस समय जैसे बताए अपर मैनेजमेंट अपर जो टीचर्स थे जो अपर मैनेजमेंट था उसका सैलरीज में कुछ कम करना पड़ा तो मुझे थोड़ा मन में डर था कि मैं थोड़ी अलग सी बात बोल रहा हूँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे हो तो अच्छे लोग मिल जाते हैं वैसे अली बात बता रहा हूँ कि तो मेरे को डर था कि यार कहीं जब कट लगेगा तो ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर के साथियों में मेरे अच्छे शिक्षकों में व्यवहार में बदलाव आए या उतनी शिद्दत से वो काम नहीं करें और मेरे पास बहुत सारे फोन आए सर आप इतना भी क्यों दे रहे हो क्यों चिंता कर रहे हो इतने सालों से लेते तो रहे हैं छः महीने नहीं भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐसे भी फ़ोन आए मेरे पास उससे जैसे आप रहे हैं कि अच्छा शिक्षक आपको, आपको आपका मनोबल बढ़ाता है आपके अच्छे साथी भी मनोबल बढ़ाते हैं। मतलब मेरे लिए प्रेम इतना प्रकार हुआ अपनी टीम के प्रति मेरा जो प्रेम था जो उनके प्रति समर्पण है और होना भी चाहिए वो बहुत बड़ा तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले तो आपके व्यवहार पे भी है कुछ कहानियां हुई जो अपेक्षित नहीं थी कुछ ही हुई पर वो पर जाहिर सी बात है में से दो कहानियां खराब हो गई तो आप नाइनटी एट के लिए वो खराब नहीं बोल सकते हो या उनके लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं बना सकते हो जो सिर्फ उन दो को देखा दे जाए क्योंकि शिक्षण संधान या कोई भी व्यापार कोई भी बिजनेस विश्वास पे चलता है चाहे आप कुछ भी कर लें कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए चलेगा वो कहीं ना कहीं आपको विश्वास तो तो वो विश्वास खुद विश्वास करेंगे तो गिव एंड टेक वाली बात है आप टू से पढ़ा रो मैं टू से पढ़ा रहा हूँ करेक्ट तो ऑलमोस्ट बीस साल हो चुके हैं बिल्कुल क्योंकि एडुकेशन स्पेस को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बिल्कुल जानता हूँ और ये आप मानते हो कि जितने ये एडटेक कंपनीज है जो बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे शायद सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि आप एडुकेशन स्पेस को अच्छे से जानते हो कहीं में डिप आ भी है फोर सेवनटी एट आपको पता हो तो इन्वेस्टर्स की वजह से बंद भी हो गई हैं मतलब बहुत क्राइसिस में चली गई है एटटेक स्पेस की बात कर रहा हूँ ये नंबर्स हैं रियलिटी जी मैं कह रहा हूँ शिक्षा को शिक्षा की तरह से देखना पड़ेगा ये प्रोडक्शन नहीं है कि हमने मशीन लगाई आज आ, पांच हजार किलो कर रहे थे अगले दो महीने पचास किलो कर दिया और सेल्स बढ़ा ली क्वालिटी न... बढ़ाने के लिए शिक्षा में समय लगता है ये यहाँ से सोचना पड़ेगा उसको एक बहुत

तो तो भ्रम है हुँ, हुँ, शिक्षा हुँ, को ऐसे नहीं देखा जा सकता है इसका एक मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत स्लो मूव करने की जरूरत है बट सिर्फ और सिर्फ फास्ट ग्रो करने के लिए कस्टमर एक्विजिशन नहीं है इज हाउ जैसे मैं, मेरे लिए महत्वपूर्ण रखता है कि मोशन में क्या परसेंटेज सिलेक्शन हो रही है मैं मानता हूं कि हमें टॉपर्स के फोटो लगाने पड़ते हैं सब करने पड़ते हैं पर मैंने इस साल हमने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और आपको मानोगे नहीं मेरे लिए बोल्ड स्टेप था वो मेरी टीम ने भी बोला बहुत मंथन हुआ मैंने बोला

इस सीजन सबसे ज़्यादा नहीं है। ये बहुत जरूरी होता, पता? Hmm. आ, राहुल से पूछा था कि जब आपको पहली बार मिले थे, तो क्या लगा में तो राहुल द्रावट ने कहा मुझे कुछ खास नहीं लगे वो hmm. पर जब मैं दूसरी बार मिला तो मैंने इतनी ज्यादा दैट इज रियल इंपॉर्टेंट कि फिर मुझे पता चल ये कुछ करेंगे वो हम प्रणाली को यहाँ पे भी उसको चाहते हैं इंप्लीमेंट कर सकें ओके okay. विराट कोहली प्रोड्यूस करने हाँ, हाँ विराट कोहली प्रोड्यूस करने हमें ऐसे लोग जो रियलिटी में समाज को शिक्षा को कुछ दे सके दे सकें ऐसे okay. ऐसे अच्छे इंसान भी बनाना महत्वपूर्ण okay. है आम, ये फिर से एक रूमर है ठीक है ब्रांडिंग बेस्ड रूमर पर कहा जाता है कि कोचिंग क्लासेस के बीच भी बहुत अगड़ी राइवल हाँ चलता 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 है वो टीचर्स कोचिंग ये सब चलता है चल

उसके पेरेंट्स को बच्चे को तो कौन देगा पेरेंट्स को भी मान भी जाता है मेरे को लगता है वो भी मानव स्वभाव है वो इस वो इससे गलत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे को पता पड़ गया उनके बच्चे का कि ये दसवीं में ग्यारहवीं बहुत अच्छा है तो कोई जाएगा बोलेगा कि सर आपके बच्चे को हम रहना खाना पढ़ाना आपको भी रहना खाना दो लाख रुपए महीने की स्कॉलरशिप वो सोचता है पढ़ा भी रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं ठीक है सॉरी मैं हंस रहा हूँ मुझे बहुत अजीब लगा पर यह होता है ये सत्य है और ये होता है अभी ऑलमोस्ट पांच सौ पॉडकास्ट कर चुके हैं हम और मैंने भारत के अलग अलग पहलुओं के बारे में बहुत कुछ जाना मैं फ्यूचर ऑफ एडुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि अगर हर भारतीय को शिक्षा मिल गई मतलब ये जितनी शिक्षा नहीं बट एटलीस्ट लैंग्वेज हाँ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास हुँ। अगर हुँ। वहां तक भी पहुंच गए वो बहुत बड़ी चीज हो सकती है पूरे देश के लिए पूरे फ्यूचर के लिए पर मेरा सोल्यूशन सिर्फ एडटेक था अब तक कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो और सबको दे दो एक्चुअली वो अंतर समझना पड़ेगा और सॉरी हाँ। पर मैं रूरल इंडिया को हाईलाइट कर रहा हूँ यानी कि गांव के पॉपुलेशन अगर उन्हें पढ़ाना है तो एज एन इंजीनियर मैं सिर्फ ये वाला सोल्यूशन एक्चुअली वो आप समझिए कि प्राथमिक शिक्षा नर्सरी एल के जी एच के जी सिक्स क्लास के बच्चों को आप मोबाइल पे वीडियो दिखा के नहीं सिखा सकते ओके ये शाश्वत सत्य है और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ आप और मैं हैं आपको और मुझे कोई कोर्स करना है कोडिंग का कर लीजिए ऑनलाइन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट स्किल्स इंप्रूव करनी है इंग्लिश की सीख लीजिए पर अगर हम 19 साल 20 साल तक के बच्चे के लिए अगर ये अपेक्षा करते हैं कि वो 15 घंटे 12 घंटे मेहनत कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन देख के तो हमारी अपेक्षाएं सही नहीं है और वो शिक, वो शिक्षण प्रणाली सही भी नहीं है इसलिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाइव शिक्षक ये बहुत होना आवश्यक है ऑनलाइन किसके लिए बेटर क्या ऑनलाइन एक सपोर्ट सिस्टम है हाँ क्या हम ऑनलाइन सोल्यूशन बच्चों को दे रहे हैं हाँ हमारी ऐप पर सब कुछ है वीडियो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स सब कुछ है फिर भी बच्चा आ रहा है और परफॉर्मेंस इकोसिस्टम डिफरेंट है, है। okay. अनुशासन आता है, आता है खुद की इंद्रियों पे करना। बच्चा बैठा एक है हमें जी अगर वो मोबाइल पे देख रहा है तो नियंत्रण नहीं है, उसे जिस लगा कि जाना है वो चला जाएगा। क्लास में पता है कि उसे डेढ़ घंटे वो तो नियंत्रण इंद्रियों पे करना भी क्लासरूम सिखाता है जो कि बहुत बहुत आवश्यक है तीन घंटे उसे एग्जाम देना है नियंत्रण के साथ जी अपनी इंद्रियों वश करके बहुत आवश्यक है एक अलग फील आती है जब मैं आपसे ये जो पॉडकास्ट आप और हम कर रहे हैं हम जूम पे भी तो कर सकते थे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने आपने मुझे लाइव बुलाया क्यों ये वाइब अलग है ये तो हम जूम पे कर सकते थे ना हम गूगल मीट क्रिएट करके कर सकते थे पर हमने नहीं करा आप इस बात को समझते हैं कि यार लाइव की बात बिल्कुल अलग जो अभी आप मैं और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं उसकी एक अलग फील है ये मैं ऑनलाइन में नहीं ला सकता हूं आपको महसूस आपकी वाइब को महसूस अभी कर पा रहा हूं आप भी मुझे अभी महसूस कर पा रहे हैं ये okay. नहीं हो सकता okay. अगर सर बीस साल के टेन्योर के लिए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए <laughs> 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 क्या करोगे आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम इंस्ट्रक्शनल मॉडल में हैं जो कि हमारा क्लास सिस्टम है क्या इंस्ट्रक्शनल मॉडल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले मॉनिटोरियल सिस्टम में थे जिसमें हम पर्सनलाइज टीचिंग दिया करते थे वन टू वन गुरुकुल गुरु परिपाटी जी अब हम इंस्ट्रक्शनल मॉडल में जहां पे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हाँ होते हैं हाँ जो कि डेट ऑफ बर्थ सिस्टम से चलता है जी ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी लाता है इंस्ट्रक्शनल मॉडल कभी लाइव हो सकता है कभी रिकॉर्डेड uh, हो सकता है कभी क्लासरूम हो सकता है वो एक अलग बात है पर है इंस्ट्रक्शनल मॉडल मुझे लगता है इंस्ट्रक्शनल मॉडल और मॉनिटोरियल मॉडल जो कि पर्सनलाइजेशन था इन दोनों का राइट right मिक्स होना बहुत जरूरी है जरूरी है जो टेक्नोलॉजी से आता है ओके मैं इन दोनों को इंप्लीमेंट करना पसंद करूंगा ताकि हम स्केलेबिलिटी ला सकें अफोर्डेबिलिटी ला सकें साथ ही साथ पर्सनलाइजेशन ला सके जो कि क्वालिटी को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। कि मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग होमवर्क दिया जाएगा हा? अलग अलग होमवर्क दिया जाएगा पर्सनलाइज उनकी स्किल अलग अलग हो सकती है कोई हो सकता है वर्ड्स पर मिनट में धीरे हो, हो सकता है कोई ज्यादा भावुक हो सबकी प्रक्रिया अलग अलग हो कोई मेंटली स्ट्रांग हो सकता है कोई मेंटली वीक हो सकता है तो हमें अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर करिकुलम करिकुल सब्जेक्ट हमें उनको उनकी कमियों और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी सेग्रीगेशन करके एक एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए हो सकता है कि एक क्लास में सौ बच्चे हो उनको हमने फिजिक्स सेम डिलीवर करी हो केमिस्ट्री सेम डिलीवर करी हो मैथ सेम डिलीवर करी हो पर हो सकता है उन सौ में से बीस बीस को अलग अलग कर दिया गया हो कि इन बीस पे काम करा जाएगा इमोशनल क्वेश्चन अच्छा करने के लिए इन बीस पे काम करा जाएगा इनकी वर्ड्स परमिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन बीस पे काम करा जाएगा इनकी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए वो सेग्रीगेशन अलग अलग इलेक्टिव होना चाहिए उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से और ये काम करेगा कौन टेक्नोलॉजी कि वो कहां कहा टेक्नोलॉजी और सही मेंटोर का सही समावेश ये काम कर पाएगा तो शिक्षा में अभी बहुत कुछ है करने के लिए मैं कहता हूं पूरा देश अगर आप शिक्षा क्या है शिक्षा ही तो सही बताए तो अध्यात्म का भी एक पिलर है हम अध्यात्म को कब जान सकते हैं जब हम शिक्षा को जानते हो वरना हम उसे नहीं जान सकते तो शिक्षा वो है जो हर आदमी की मनस्थिति को बदल सकता है मेरे लिए शिक्षा की एक डेफिनेशन और है कि हम ये तो ये हो गया डिलीवरी ऑफ मोड में हमें हमारे बच्चों को यह भी सिखाना है कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना hmm. रियल शिक्षा है hmm, 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 सीखने hmm. की प्रक्रिया को जो आज मैं सीख रहा हूं, ये तो साल बाद हो जाएगा hmm. मतलब पहले सीखो कि अच्छे स्टूडेंट बनते कैसे हाँ विद्यार्थी जीवन भर कैसे बने रहना है यह आवश्यक है यानी कि सीखने की प्रक्रिया को सिखाना असली शिक्षा है और शिक्षा को देने का तरीका इंस्ट्रक्शनल प्लस पर्सनलाइज लर्निंग है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से आता है इनका सही समावेश शिक्षा को अलग स्तर पे ले जाएगा लोगों की मनस्थिति को अलग अलग स्तर पे ले जाएगा जब मनस्थिति सुधर जाएगी तो कोई भी परिवार समाज देश दुनिया आप किसको भी बदल सकते हो बातें बड़ी लग सकती है पर यह शाश्वत सत्य है hmm. यह करा जा सकता है विचार आने की बात है hmm. अच्छे विचार रखने पड़ेंगे ना आपको Hmm. मजबूत मजबूत अगर वि, विचार रखेंगे उन उनपे चर्चा होनी चाहिए मजबूत विचारों पर औसत विचारों पर चर्चा वो करते हैं जो घटनाओं पर चर्चा करते हैं कमजोर दिमाग वाले होते हैं जो लोगों पर चर्चा करते हैं hmm. और मजबूत दिमाग वाले जो होते हैं वो रियल टीम इस पर चर्चा करते हैं वो विचारों पर चर्चा करते हैं कॉन्सेप्ट हाँ ये हो सकता है आगे, आगे जाना है और मतलब मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि शिक्षा को आध्यात्म से जोड़ना बहुत आवश्यक है

उसको निर्णय लेने की क्षमता उसके उसके संस्कार उसकी संगति और टेक्नोलॉजी देनी मुझे क्या लेना है वाई शुड आई ऑप्ट साइंस वाई शुड आई ऑप्ट इंग्लिश लिटरेचर वाई शुड आई ऑप्ट टू बी अबर क्या मेरे अंदर वो स्वॉट एनालिसिस जो है वो करने की क्षमता है कि नहीं है तो शिक्षा अपने आप में बहुत गहन स्वाध्याय करने वाली चीज है जिसमें सोचने की बहुत आवश्यक है और शिक्षा विधि कर सकते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हर भारतीय स्टूडेंट को सेल्फ अवेयरनेस सिखाने की जरूरत है खुद, बिल्कुल खुद को जानने की जरूरत खुद जानने की को जानने की जरूरत ये आप एक पंद्रह सोलह साल के बच्चे को कैसे सिखा सकते हो ये शिक्षा ये शिक्षक सिखा सकता है आज हम आप आ, और हम बात करें जो हमें सुन रहा है उसको बहुत सारी चीजें पता पड़ी होगी आपके माध्यम से मेरे माध्यम से एक शिक्षक बता सकता है उसको कि देखो ऐसे सोचो सोचने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ये भी तो एक कला है हमें कैसे सोचना चाहिए पैरामीटर्स पे जाना चाहिए क्यों मेरे लिए अध्यात्म जरूरी है क्यों टेक्नोलॉजी जरूरी है कोई भी हो सकता है, hmm. पर सिखाना बहुत जरूरी है।, जरूरी है।, है। और ये सबसे ज्यादा कहां सिखाया जा सकता है स्ट्रक्चर्ड वे में शिक्षण संस्थाओं में यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में कोचिंग संस्थाओं में गुरुकुलों में कहीं पे भी इन सब जगह सिखाया जाएगा सही समावेश करना आवश्यक है अभी फ्यूचर की बातें करते सर चैट जीबीटी का रोल रहा है आपकी लाइफ में अब चैट जीपीटी से हम कई थोड़ा बहुत कंटेंट जो होता है उससे हम निकाल पाते हैं पर जैसे अभी चैट जीपीटी या आई इतनी इफेक्टिव नहीं हुई है कि वो हमारे टफ सवालों का उत्तर दे सके टफ सवालों मतलब एडवांस के हाँ हाँ हा। वो चैट जीपीटी सॉल्व नहीं कर पाता नहीं कर सकता क्यों अभी आप डाल के देख लीजिए जी एडवांस का पेपर पर क्या जवाब निकाल के आता नए सवाल बनते हैं पूरे मतलब बिल्कुल फ्रेश चैट जीपीटी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी को मैनिपुलेट करके लाता है अभी तक जो चैट जीपटी है तो मैं मान रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर मशीन लर्निंग ही है बेसिकली वो जितना डेटा उसने लिया है उतना जो डेटा अवेलेबल ही नहीं है जिस तरह का सवाल उपलब्ध नहीं है उसका आंसर कैसे देगा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा पर्सनल सवाल नहीं है आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है पर ये मैं हमेशा सोचता था ओलंपियाड नाम का एक बहुत मुश्किल एग्जाम होता है ओलंपियाड्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं ओलंपियाड इज अ वर्ड जिसमें बहुत सारे अलग अलग आते हैं एसओ और बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं जो अलग अलग थोड़ा सा ये भी समझा दो बट फ्रॉम माई आईज एक मुश्किल एग्जाम होता है हाँ, बहुत मुश्किल जी हाँ, से बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के साइंस ओलंपियाड थोड़े से टफ होते हैं साइंस ओलंपियाड हाँ जैसे इंटरनेशनल फिजिक ओलंपियाड इंटरनेशनल केमिकल केमिस्ट्री ओलंपियाड है मैथ्स ओलंपियाड है तो ये वैसा ही है कि उनमें जो गोल्ड लाता है वो जो ओलंपिक्स में गोल्ड लाते हैं उनके इक्वलेंट है तो टफ होंगे ही ना उनकी प्रक्रिया है पूरी ये बच्चे फिर जिंदगी में क्या करते हैं ये ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं आई में टॉपर्स होते हैं या मेडिकल में टॉपर्स होते हैं इस तरीके के बच्चे होते हैं उसके बाद क्या वही जो अपन आप और हम कर रहे हैं आई जो करेगा वही सिंपल आई वुड अज्यूम कि अगर इतने डेप्थ रिसर्च में जाते हैं वो हाँ रिसर्च में जाते हैं वो एच डी पी एच डी करते हैं रिसर्च करते हैं इनोवेशन में जाते हैं नई नई प्रोडक्ट्स को बनाने में ध्यान देते हैं किस तरीके का हमारे पास मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉट मतलब एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं एस्ट्रोनॉमी ओलम्पियाड है

मतलब इनकी डीप थिंकिंग और भी डीप होती है डीप होती आई क्यू तेज होता है अभी हमारे यहाँ से एक रैंक आई सेवेंटी उस लड़की की उसकी स्पीड इतनी तेज है आप इमेजिन नहीं कर पाओगे उसने नीट का पेपर बीस मिनट में पढ़ के खत्म कर दिया उसने उसे बिल्ट भी करा बट स्टिल वो एक्मन है हमारे यहाँ से आज हाँ से छह सात साल पहले सेवंथ रैंक आई थी हमारी कोचिंग का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था हमने खूब क्रेडिट लिया मैं मन से बोल रहा हूँ कि टॉप टेन टॉप फिफ्टी में हम लोग ज्यादा क्रेडिट लेते हैं पर उसमें हमारे जैसे कोचिंग संस्थान का रोल बीस परसेंट पच्चीस परसेंट ही होता है हमारा वास्तविक रोल मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन बच्चों में होता है जिनको हम सेलेक्ट कराते हैं उनमें अस्सी प्रतिशत रोल होता है वो लड़की कहती थी वो ऑनलाइन ही पढ़ती थी हमसे वो लड़की कहती थी सर मैं तो जो एक बार पढ़ लेती हूँ सब याद रहता है भूलती तो हुई नहीं नोट्स क्यों लिखूँ और उसे वाकई याद रहता था पर वो था कि भाई उसमें और उस बच्ची में एक अच्छी बात थी मेरे को उस बच्ची से याद आ गई कि उसमें अहंकार नहीं था इस बात का कुछ बच्चों में रहता है हो सकता है ना ज्ञान का अहंकार हो सकता है अहंकार कि तो किसी भी चीज़ हो सकता है पैसे का आप कैसे दिखते हो उसका अहंकार हो सकता है तो पर तो पर इससे दूर रहना ही है कि अहंकार में तीन गए धन okay. वैभव और वंश ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस <laughs> तो अहंकार तो किसी भी चीज का हो सकता है जी आपको ध्यान रखना है आ, और जानना है मुझे ओलंपियाड के बारे में ओलंपियाड स्ट्रेटेजिकली बेसिकली आप समझिए कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन की की प्रक्रिया में आगे आप सफल होंगे नहीं होंगे उसका एक प्रिलिमिन्री एग्जाम्स मान सकते हैं आप जैसे एन हो गई एन तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए रोक दी थी आई जे हो गए साइंस ओलंपियाड्स हो गए इनकी प्रक्रिया स्टेट लेवल पे होगा फिर नेशनल लेवल पे होगा फिर इंटरनेशनल लेवल पे होगा इसमें कुछ प्राइवेट ओलंपियाड्स भी हैं बहुत सारे होते हैं सो एफ के बहुत सारे होते हैं तो ये सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं ग्रेड वाइज भी होते हैं कोर्स वाइज भी होते हैं ये अलग अलग बॉडीज अलग अलग कंडक्ट कराती हैं जनरली इनमें वही लोग बैठते हैं जिनकी एस्पिरेशन होती है कि कॉम्प्यूटिव एग्जामिनेशन साइंस बेस्ड को आगे जाके क्लियर करें मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप शुरुआत से स्टेज अगर आप फोकस जैसे पेरेंट्स हैं बच्चे ने सोच दिया कि यार मुझे ये करना है तो फिर ये एग्जामिनेशन उनको दिलाने चाहिए से फायदा होता है मान लो किसी बच्चे ने मैथ्स ओलिपियाड में पार्ट लिया तब तो उसकी पढ़ाई ऐसे ही हो जाती है। काफी कुछ पोर्शन सिमिलर है तो okay. उसका काफी पोर्शन वो सिमिलर जो है वो डीप तक वो पढ़ लेता है तो फायदा होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर हो जाता है उनके दिमाग से दिमाग हो जाता है बिल्कुल <laughs> मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आगे जाकर इन बच्चों की पर्सनैलिटी को क्या होता है क्योंकि इनका आई क्यू बहुत ज्यादा होगा मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन में सबको भगवान ने एक निमित्त के माध्यम से भेजा है आप जो अभी बैठे हैं वो निमित्त है निमित्त मतलब आपको शायद भगवान ने इसे चुना कि आप अच्छे विचारों का अनुसरण लोगों को करा सकें टेक्नोलॉजी यूट्यूब उसमें एक माध्यम है जिसकी वजह से अपन वो हो रहे हैं तो आप निमित्त हैं आपको शायद ईश्वर नहीं सी मिलता है और आप सौभाग्यशाली हैं मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को निमित्त बनाया गया शिक्षाविद के रूप में ताकि हम हमारे कर्तव्य को निर्वाह कर सके हम इसलिए सौभाग्यशाली क्योंकि हम जिसके लिए बने थे हम उसमें आ गए कई बार ये मिसमैच हो जाता है तो वो उनका जीवन संघर्ष में निकलता है ऐसे इन बच्चों का भी निमित्त के रूप में भगवान ने भेजा है कि ये कुछ ऐसी चीजें बिल्ड करेंगे जिससे मानव जीवन आसान होगा वो कुछ ऐसी रिसर्च करेंगे कंप्यूटर्स को और छोटा कर देंगे गूगल मैप्स कुछ भी जो मानव हम क्यों कर रहे हैं सप्ताह के हम मानव जीवन को आसान

भारत में रहकर इन बच्चों के बारे में ज्यादा क्यों नहीं सुनते ये बहुत मुश्किल एग्जाम है और ये इंटरनेशनल स्केल पर जाते हैं शायद शायद हम हम लोग बहुत गाते हैं इनको ओके <laughs> मतलब आपकी दुनिया दुनिया में एडुकेशन की एडुकेशन में की में जाता है और ये अलग टॉपर्स होते हैं बिल्कुल मतलब ओलम्पियाड शब्द ऑनेस्टली सर मैंने कॉलेज से नहीं सुना अभी क्योंकि मेरी दुनिया में इतनी बात नहीं होती पर मैं जानना चाहूंगा क्यों क्योंकि मैं उस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को जानता हूँ कुछ स्पेशल बच्चे ही होंगे जो हाँ ट्रैक कर और उनको बिल्ड भी करा जा सकता है विद टाइम जैसे जिनमें आई क्यू तेज है तो एवरेज बच्चे एवरेज जो आई क्यू उसको धीरे धीरे उस तरीके से बिल्ड करा जा सकता है कि वो उस ट्रैक पे चले जाए okay. बिना किसी दिक्कत के okay. ओके अभी फाइनली हम स्टूडेंट ओरिएंटेड बातें करेंगे हुँ. अपने क्वांटम फिजिक्स की बातें करी हुँ. जो आपके खुद के इंटरेस्ट है स्टूडेंट ओरिएंटेड बातें मतलब यू एज अ स्टूडेंट अब मैं थोड़ा शाही बच्चा था क्लास में डाउट नहीं पूछता नहीं नहीं तब नहीं सर अब एज ए स्टूडेंट मैं अभी काफ़ी पढ़ता हूँ क्वांटम फिजिक्स की बात है अगर क्वांटम फिज़िक्स लीडरशिप पे बहुत पढ़ता हूँ एंटरप्रेनरशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडिप्रेनरशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीम्स कैसे मैनेज होनी है हिरार कैसे बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे होगा इन इनपे मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है जी जो विजन आप देख रहे हो जो मुझे दिखाई देता है पर्सनलाइजेशन के लिए ये तभी आता है जब हम लगातार पढ़ते हैं इंटरनेशनल पेपर्स को पढ़ते हैं कि हम किस सिस्टम से कैसे शिफ्ट हुए तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एक बहुत स्पेशलाइज एरिया हो गया है पर उसके साथ साथ अगर एडुकेशन को स्केल अप करना है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं सारी चीजों को पढ़ूं हो सकता है कि मुझे रिलेटिविटी पढ़ने में ज्यादा मजा आए पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है उसमें ज्यादा मजा आए पर क्योंकि शिक्षा को अगर स्केलेबल अफोर्डेबल और क्वालिटी में बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को पढ़ना मेरे लिए बहुत आवश्यक है okay. कि क्या एंट्रप्रिनरशिप जिसे मैं बोलता हूँ एक शिक्षाविद कई बार मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप पढ़ाना क्यों नहीं छोड़ते पढ़ाते ही रहते हो आप पढ़ाते हो आप अब तो एंटरप्रीनरशिप बन जाओ आप मैं अगर पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं शायद बच्चे को अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा जो बड़े बड़े सी हैं वो क्यों अपने स्टोर के बिल्कुल टेल तक जाते हैं ताकि उसे पहचान सके कि वहां पे क्या कमियां हैं कैसे उसको अपर मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो वो करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है जी तो जब मैं पढ़ता हूं जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं सौभाग्य की बात है कि उसको सबको अप्लाई कर पाता हूं ऑर्गेनाइजेशन इस स्तर पर आ गई है अब ये बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने जो सोचा

तो उसको डीप में पढ़ रहे होते हैं तो लाइट कैसे वर्क करेगी और क्या क्या, -क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं कैमरा कैसे वर्क करता है कैपेसिटर को लेके तो जब आप रिलेट कर पाते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो मैंने आपको बोला था जो हमारे कैसे अंदर डाली जाती हैं उस उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो उससे हमें ये पता पड़ता है मैं बच्चों को रिलेट कर पाता हूँ मैं ये मानता हूँ कि अगर आप साइंस को गहराई से पढ़ोगे आपको फ्यूचर की एक झलक मिल जाती है हंड्रेड मिलेगी वो उस पर्सपेक्टिव से भी बताइए कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है भाई जो मुझे व्यक्ति विशेष में लगता है कि अभी हम धीरे धीरे जो हम एंगेजमेंट इंडस्ट्री की तरफ गए हैं बिकॉज ऑफ पर्सनलाइजेशन इन एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट जो हम सोशल मीडिया देख रहे हैं ओके सोशल मीडिया सोशल मीडिया राइट है ना लाइक करना लाइक like करना, करना कमेंट करना ये कुछ समय तक और बढ़ेगी फिर धीरे धीरे ये घटेगी और ये घटकर पर्सनलाइजेशन एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन की तरफ डेविएट हो जाएगी अभी क्या हो रहा है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं अभी हमारे पास डेटा इकट्ठा हो रहा है एज 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 टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी जो है जी। किस तरीके के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं उनके हिसाब से उन्हें कॉन्टेंट देते हैं अभी ये चल रहा है पर वो कॉन्टेंट उनके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा, बुरा भी हो सकता है समय के साथ इसके प्रभाव हमें दिखने लगेंगे तब हम ये समझ पाएंगे फिल्टर लगा के कि इस व्यक्ति विशेष में ये खामियां हैं तो इसको सुधारने के लिए इस तरीके की चीजें डिलीवर होनी चाहिए चाहिए अभी वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है कि मैं कुछ भी थ्रो कर सकता हूं पर अभी तो सिर्फ हम व्यूज और नंबर ऑफ आवर्स व्यूज ये सब देख रहे हैं पर क्या उसको सही जाना चाहिए ये हम समय के साथ इवॉल्व होंगे और ये होना भी चाहिए

सही वाला पर्सनलाइजेशन होगा अब ये कुछ भी हो रहा है अभी ये ड्राइव हो रहा है फेंकने वाले के स्वार्थ से प्रेरित होकर फिर ये सिंक्रनाइज हो जाएगा व्यक्ति विशेष के लिए क्या अच्छा है उससे पर इसमें समय लगेगा मतलब अभी के लिए इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया आपसे ये चाहते हैं कि आप उन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा यूज करें टाइम स्पेंड करें तो आपको एंटरटेनमेंट भी दिखाई जाएगी एटसेट्रा बल्ले वो भले वो आपके काम का है या नहीं है शायद आगे जाकर ऐसे प्लेटफॉर्म आएंगे जहां जा सिर्फ आपके लिए जो काम की चीज है आपको जो अच्छा इंसान बनाएगी देश और दुनिया को कुछ अच्छा देगी और जो आपकी स्किल्स से मैप होगी उसी तरीके के हम पर्सनलाइजेशन को ग्रो करेंगे और जो शायद मजेदार भी होगी मजेदार भी होगी इंप्रूवमेंट बहुत अलग लेवल पे होगा दुनिया को हम एक बेहतर जगह बना पाएंगे ओके okay. ये क्वांटम फिजिक्स करेगी इसमें कोई क्वांटम फिजिक्स हो गई या क्वांटम फिजिक्स चलो थोड़ा डिफरेंट लेवल पे चला गया वो तो एनर्जी के सोर्सेज पे भी हमें करना पड़ेगा हम हो सकता है कि स्पेस ट्रैवल करने में और सक्षम हो जाए हर फील्ड में बहुत कुछ अलग अलग होगा हो सकता है कि हम स्पेस ट्रैवल करें हम अर्थ से शिफ्ट भी करें बहुत सौ दो सौ तीन सौ साल आगे की बात है पर ये सब हम करेंगे स्पेस में आपका इंटरेस्ट है बहुत क्योंकि आपको एस्ट्रोनॉट बनना था हाँ, पहले मुझे मतलब क्योंकि वो है। जी जी पता है, है, तो मुझे अभी, अभी, अभी ये जानते नहीं है ऐसा कोई भ्रम नहीं है हम सब मानते हैं कि हमारी जैसी दुनियाएं हैं बहुत हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो मुझे बहुत फैसिनेट करता है वो दुनिया मिलेगी तो कितना ज्ञान का दान प्रदान होगा होगा अलग लेवल पे होगा शायद हमारे सोचने की क्षमता विचारधारा की क्षमता सब कुछ देखने का नजरिया ही शायद अलग हो सकता है जैसी बात है उसके साथ डर भी आता है कि वो सही प्रकार से होगा या गलत, गलत से होगा पर मुझे लगता है कि सही से ही होगा आप एलियंस की बात है कर रहा हूँ <laughs> एलियन भी वहां हो सकता है एलियंस ये तो हम मानते इतनी गैलेक्सीज है और हमारी गैलेक्सीज में कहीं ना कहीं जीवन होगा जी ये तो हम जानते हैं हैबिटेट जोन में जैसे वैसे कितने ही प्लेनेट है है हैं हैं जो हैबिटेट जोन में तो होगी आई फील कि किसी भी स्टूडेंट को अगर फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है आगे जाकर उसी स्टूडेंट को एज एन एडल्ट एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा बिल्कुल आपको लगे लगे। यूनिवर्स की ज्यादा समझ आती है ज्यादा समझ में आती ओके ये मेरा भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स स्पेस के बारे में आपको सबसे अजीब चीज क्या लगती है या सबसे माइंड बेंडिंग फैक्ट क्या है आपके लिए? बिग बैंग हुआ ये हम सब जानते हैं उसके बाद हमारी पूरी यूनिवर्स की संरचना हुई ये भी हम जानते हैं। अध्यात्म से जोड़ता हूं कोई तो शक्ति थी जिसने कराया वो एक अनोन है बिग बैंग की बात की कहानी को हम काफी हद तक पढ़ पाए हैं न्यूटन की थर्ड लॉ क्या for every action there is equal and opposite reaction right so बिग बैंग कोई रिएक्शन थी कोई रिएक्शन is... थी किसी ऊर्जा का hmm. वो ऊर्जा कहाँ से आई वो अननोन है तो मैं ऐसा मानता हूँ कोई शक्ति तो है जो हम सबको चला रही है और वो चाहती है कि हम हमारे जीवन को बहुत अच्छे से चलाएं यूनिवर्स में कोई ऐसी ताकत तो है वो क्या है हम कोई नहीं जानते और मैं शा... मैं क्या कोई भी नहीं जानता है तो <laughs> हाँ मुझसे जाने वाले बहुत सारे लोग ज्यादा होंगे पर उसको जितना ज्यादा जाना जाए शायद हम मानव जीवन को तो समझ पाएंगे इसलिए जिंदगी में मजे भी करो <laughs> मजे भी <laughs> करो नीति पे भी चलो मतलब सब कुछ करो हाँ. मतलब जितना जितना अच्छे से आपके जीवन में जो आपको अच्छा लगता है जिससे लोगों को दुख ना हो बल्कि उनको खुशी मिले जी अगर वो आप कर पाए और उदार हृदय रखो इसमें कोई बात कहना आसान पर करना इतना आसान नहीं है तो अगर आप ये कर पाओगे तो रियलिटी में आप आगे बढ़ पाओगे okay. वो okay. कहते ना कि रीति नीति विद्या विनय hmm. द्वार सुमति के चार इनको पाता है वही जिसका हृदय उदार <laughs> तो मतलब मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है जी व्यक्तिगत रूप से कि यार अगर अपन ये कर पाए इन चारों का अनुसरण भी कर पाए और वो भी कर पाए कर, कहना आसान है मन से मेरे लिए भी कहना आसान है पर इसका अनुसरण अगर कर पाए तो जीवन का आनंद है वैसा सर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूरा पॉडकास्ट अभी सुना है पॉडकास्ट के के एंड तक पहुंच गए उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स लिए कुछ आखिरी मैसेज है आपकी वो मैसेज मैं पहले भी दे चुका हूं फिर वापस पर उसको रिपीट करता हूं कि आनंद मग्न अगर जीवन में होना है तो कर्तव्य का भाव रखिए अधिकार का नहीं और ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं मैं खुद के लिए भी बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद को इसका अनुसरण करना चाहता हूँ मैंने व्यक्तिगत रूप से इससे खुद में बदलाव देखा है पर स्टूडेंट की लाइफ में अधिकार भाव कब निकल गया बहुत आता है जैसे आउट बताइए पैसे दिए ओके अधिकार भाव है hmm. सम्मान के भाव से जाएंगे तो उसके बताने की प्रक्रिया अलग होगी पापा hmm. ने पैसे नहीं भेजे उनको मेरे को ड्रेस दिलानी थी किताबें दिलानी थी अधिकार का भाव है मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके सपनों को पूरा करूं इसके लिए पढ़ाई करूं इसके लिए संघर्ष करूं ये कर्तव्य का भाव दोनों में बहुत अंतर है विचारधारा बदलेगी कहते हैं ना मनस्तिती बदल जाओगे तो धन्यवाद आप बहुत, 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 बहुत बहुत अभी आपको पता चल रहा है कि मैंने बाहर आपसे बात क्यों नहीं किया really okay. really कि आप, आप तो मेरे जैसे से बहुत सारों से मिलते हैं नहीं पर बहुत कम लोग इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर आते हैं ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ ट्वेंटी ईयर्स जो आपने पढ़ाई सिखाई है लोगों को आ, उससे डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बदले और वो बहुत की होता है किसी भी पॉडकास्ट के लिए अच्छा जब किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़े होते हैं तब व्यूज आते हैं तब रिटेंशन आती है तो जब मैं किसी शिक्षक से बात कर स्पेशली जो एक्सपीरियंस शिक्षक होते हैं जब उनसे बात कर रहा होता है पॉडकास्ट पर मुझे पता होता है कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत तगड़ा होगा क्योंकि आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स ही अलग होते हैं आप ये मानते हाँ मतलब हो सकता है पढ़ा के हो जाते है। पर मैंने ऐसे देखा है कि सभी अध्यापकों के सोशल जरूरी नहीं है बहुत सारे के, दस पांच परसेंट में मिलेंगे आपको जो उतनी अच्छे से अपनी बात क्योंकि एक पर्टिकुलर नॉलेज को डिलीवर करना एक अलग बात होगी अपने विचारों को रखना एक थोड़ी ये मैंने कभी सोचा नहीं था हाँ अलग बात है बिल्कुल। आपको जो, मतलब जो मानना है कि जो क्लास में अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर वो सारे अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं ओके। क्योंकि जितने भी अध्यापक मुझे मिले, वो आपने बुलाया है वैसों को शायद वो भी हो सकता है आपको और ज्यादा पॉडकास्ट करने चाहिए सर नॉर्मली आई वील की कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको सही सवाल पूछने होते हैं आप उनमें से एक हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है नॉलेज बहुत है पर किसी को आपको सही सवाल पूछने इंटरनेट ओरिएंटेड सवाल तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंटरनेट पर और ज्यादा होना चाहिए अच्छा और होना चाहिए जी जी देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं जो आप कह रहे हो कि जो मैंने आपको एडुकेशन मिनिस्टर का सवाल पूछा आपने बहुत अच्छी बात है कही पर आपकी आवाज और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो ये सॉरी मैं आपको एक नहीं नहीं, नहीं अरे सर मैं आपके शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण तो क्योंकि देखिए हम क्या ऐसी जगह रहते हैं ना ऐसे शहर में जहाँ शिक्षा का जरूर है पर वर्ल्ड एक्सपोजर में बहुत वीक है वो जगह तो हम लोग कभी कभी बाहर आते हैं तो वो एक्सपोजर हमारे पास कम है आपने जो बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो आपको एक बनावटी नहीं बोल रहे हो मेरे को जो आप महसूस कर रहे हो वही आप मेरे को बोल रहे हो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो मतलब बहुत अच्छी सलाह है मैं ध्यान दूंगा इस पर मैं शायद भारतीय होने के तौर से कह रहा कि मतलब जो मैंने पॉडकास्ट से ही सीखा है कि में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्चुअली एजुकेशन है हाँ। मतलब अगर किसी ने हर किसी ने पढ़ाई कर ली बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये तो पे... 110 आपको कह सकता हूं। जो कहते ना है। सही शिक्षा का है। और अगर वो सही से चली गई तो हमारे पास तो इतने कर्मठ हैं सर यूपी बिहार से बच्चा आता है सत्तू पी के रह लेता <laughs> है इतने कर्मठ बच्चे हमारे पास सच्चाई है इतनी कर्मठता से भारत के लोग थोड़ी रह सकते हैं इतने संघर्ष के साथ हमारे हमारे जो बच्चों का एक्यूमेन है या जो संघर्ष सहने की क्षमता है वो हर में थोड़ी होती है hmm. वो तो कुछ भी कर लेते हैं hmm. उनको बस सही शिक्षा मिल जाए कर सकते हैं पर ऑल ऑल इन गुड न्यूज ये है कि मैंने अभी मैं अभी चार साल से पॉडकास्ट कर रहा हूँ hmm. पहले साल में सिर्फ बॉलीवुड के पॉडकास्ट चलते थे hmm. आज शिक्षकों के चल रहे जी मतलब उनको भी जाना जा रहा है जी सौभाग्य की बात है शायद बॉलीवुड स्टार से ज्यादा व्यूज हमें शिक्षक के पॉडकास्ट पे मिलते हैं Okay. तो तो उनका और जैसे मैं भी मैं ऐसा शिक्षा विद्यू जो टेक्नोलॉजी को भी अच्छे समझता है और वो क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं हम तो फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स के बारे में मैं सब्जेक्ट टीच नहीं कर सकता हूँ उनका तो सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी है एक्चुअली आप टीच कर सकते हो लोगों को जानना है इसके बारे में तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं इनके साथ हमारे जैसे शिक्षक जो टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं ये बहुत सही समावेश है yeah, hmm. जैसे हम साइकोलॉजी को समझ रहे हैं जयर वो साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट भी समझते हैं और साइकोलॉजी भी समझ रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं वेरी hmm. राइट मिक्स मेरे लिए कुछ एडवाइस आई डोंट थिंक सो बहुत बढ़िया मतलब द बेस्ट पार्ट विद यू ये गॉड गिफ्ट है आपको कि जितना खुल के मैं आपके सामने बोला हूँ जितना सहज आप अपने सामने वाले को कर देते हो वो आपको गॉड गिफ्ट है या कला है मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं people, तो कहीं वो आने लग जाता है। ये कुछ भी होने लगता है ना जो आप महसूस वो आपके साथ नहीं है दैट इज द बेस्ट पार्ट तो मतलब मैं तो मेरी सलाह ये डू नॉट चेंज योअर टू मच ये चेंज करना ये बट गिविंग टू द

जो तुमसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता प्लीज उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दो mm. प्लीज उसको अपने साथ मत ले जाना जी हर टीचर चाहे मैं कह रहा हूं इंग्लिश का हो किसी भी उसको कुछ ना कुछ पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है जो उससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता mm. मैं कह रहा हूं उससे साथ मत ले जाना भाई mm. इस टेक्नोलॉजी को यूज करो ताकि mm. आप मानोगे नहीं मेरे पास जितने बच्चों बच्चे मैसेज आते हैं ना तो टीचर्स की भी आते हैं कि सर आप लेक्चर देख देख के पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा रहा है। दस साल पहले मुझसे बहुत सारे में टीचर्स आप पूरी कर देते हो ये तो नुकसान होगा आपके, आपके पढ़ाने के लिए मैंने यार एग्जाम्पल देता था कि कि किसी अच्छे संत के अगर कोई प्रवचन आ रहे हैं यूट्यूब पे तो इससे उनका आश्रम चलना थोड़ी बंद हो गया ये तो सच्चाई है तो मैं शिक्षकों को भी यही कहता हूं कि जो बेस्ट पार्ट है उसको जरूर Release सर इससे बढ़िया क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है हम देश के दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकते हैं आज से पच्चीस साल पहले ऐसा थोड़ी था कि रिकॉर्ड करा डाल दिया जी विदाउट एनी कॉस्ट सब देख रहे हैं जी पॉसिबल ही नहीं है आज की तारीख में आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं आप यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च करिए उसके बारे में आपको मिल जाएगा उसके पूरे पचास वर्षों का अनुभव आप पढ़ के सीख सकते हो इससे बेहतर समय क्या आ सकता है शिक्षा ग्रहण करने का मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे परिवेश में मेरा जन्म हुआ है और मैं उस समय समझदार हूं जब ये उपलब्ध है और आने वाली पीढ़ी तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है स्पेशली इमोशनल एजुकेशन की इमोशनल एजुकेशन की तरफ़ करेक्ट वो मेरा हाईलाइट था इस पूरे कन्वर्सेशन से एनवीसर और आप में है वो आई थिंक वो आपका जो आपने कहा ना कि हर शिक्षक के पास एक बहुत स्पेशल सब्जेक्ट होता है आई एम श्योर कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है आ, पर आप इमोशनल एजुकेशन दे सकते हो बच्चों को तो

तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट हमने कुछ नया ट्राई किया आज इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एजुकेशन को हाईलाइट करने की कोशिश करी अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आई होप कि बहुत सारे लोगों तक आज के मैसेजेस पहुँचे आई होप कि बहुत सारे लोग एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सीखें भारत के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जाने और टी ज़्यादा सुने नितिन विजय सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो दोस्तों हमने नितिन सर के हैंडल्स नीचे लिंक कर दिया प्लीज़ उनको जाकर फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पर और अंटिल नेक्स्ट टाइम ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्वर्सेशन आपके लिए हम पेश करते रहेंगे टी पर प्लीज़ ट्यून इन अगेन